हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक्स एकेडमी 2। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12 का फिजिक्स का, एटॉमिक फिजिक्स, एटम्स एंड एटॉमिक फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं कुछ मॉडल्स का, एक्सपेरिमेंट्स का, लाइक जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, नील्स बोर, ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक था एक साइंटिस्ट, उसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन, और हमारे जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किया था जेल थॉमसन ने। हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जेल थॉमसन डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फर्स्ट मॉडल है जेजे थॉमसन। जेजे थॉमसन ने बताया कि ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। ये हम सभी को पता है कि कोई भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और जैसे कि ये एटम है, और जो ये माइनस चार्ज है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है। जैसे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। और फिर ये रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, इसे इसमें कहा है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसे हम प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, ये बताया था जेल थॉमसन ने। और जेल थॉमसन ने एक और थिंग बताई थी, जैसे कि जेल थॉमसन ने क्या बताया कि ये कोई एटम है, और इसने इसको किससे कंपेयर करा, एक वाटरमेलन से, और उसने क्या कहा, ये जो नेगेटिव चार्ज है एटम में, नेगेटिव चार्ज एटम आर लाइक ए सीड, सीड्स नेगेटिव चार्ज है, सीड्स की तरह लगते हैं, बीज की तरह वाटरमेलन के। तो इस जेल थॉमसन के मॉडल को किस नाम से जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। दिस आर आल्सो कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल, कि नेगेटिव चार्ज इज लाइक ए सीड्स, इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए सीड्स, देन दिस इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। और इन्होंने कहा कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को हीट देंगे तो वो कम आउट बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो खा जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे एटम से, बाहर निकल जाएंगे सेल से। ऑब्जर्वेशंस ऑफ जेल थॉमसन मॉडल। जेल थॉमसन के कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उन्होंने बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया उन्होंने, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था। और सेकंड ऑब्जर्वेशन बताया कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एमिशन होना। और थर्ड ऑब्जर्वेशन था इनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर वाइब्रेट इन एटम, जब एटम में इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं, देन रेडिएशंस आर एमिटेड एज लाइट। जो रेडिएशंस होती है वो एमिट किस टाइप में करती है, लाइट के टाइप में एमिट करती है रेडिएशंस। ये ऑब्जर्वेशन थे जेल थॉमसन के। हमने अभी ऑब्जर्वेशंस देखे इनके, जेल थॉमसन के, और अब हम पढ़ेंगे इनके ड्रॉबैक्स। इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, इन्होंने सिंगल एटम के, सिंगल एलिमेंट एटम के लिए या एलिमेंट के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम बताया था, इन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए स्पेक्ट्रम नहीं बताया। स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय जेल थॉमसन मॉडल, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कैसे हुआ था, जो रदरफोर्ड ने बताया था। और ये ड्रॉबैक था जेल थॉमसन का, जेल थॉमसन नहीं बता पाया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो ये बताया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द्वारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का हमें पता चला कैसे हुआ। ये जैसे कि हमारे पास ये लाइट बॉक्स है, यहाँ से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हुआ, कहाँ पर, गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक हुआ। फिर क्या हुआ, गोल्ड फॉइल से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग स्टार्ट हुआ। तो ये बहुत से स्कैटरिंग हुआ, अबाउट 8000 इंसिडेंट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, 8000 अल्फा पार्टिकल्स का क्या करवाया था रदरफोर्ड ने, स्कैटरिंग करवाया था, इंसिडेंट करवाए थे। और 8000 में से 1 अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, स्कैटर्ड बैक हुआ, फिर से वो क्या हुआ, 180 डिग्री पर 1 अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बैक 8000 अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करवाए थे गोल्ड फॉइल पे, और उनमें से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था, स्कैटर्ड बैक हुआ था
इन अबाउट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर क्या हुआ, वो स्कैटर्ड बैक हुआ। अल्फा पार्टिकल्स रदरफोर्ड ने बताया कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, और उनका चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2e। ये अल्फा पार्टिकल्स का क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड +2 इलेक्ट्रॉन, ये होता है इसका मास और चार्ज। और फिर यही बताया कि अल्फा पार्टिकल किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर स्कैटर हो रहा था, स्ट्राइक कर रहा था गोल्ड फॉइल पे, और वो कितनी वेलोसिटी है हमें पता होना चाहिए, और वो किस वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा था 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी, तो हमें पता होना चाहिए कि थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल इज 10⁻⁷ मीटर। ये क्वेश्चन भी पूछा हो सकता है कि बताओ गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी है 10⁻⁷ मीटर। हम बात करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में, कि ऑब्जर्वेशंस क्या थे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के। तो रदरफोर्ड ने बहुत से अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, स्ट्राइक करवाया, और उनमें से कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, स्ट्रेट पाथ पे रनिंग कर रहे थे, स्ट्रेट पाथ पे चल रहे थे वो अल्फा पार्टिकल्स। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर इन स्ट्रेट पाथ। ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि इनका कि 8000 अल्फा पार्टिकल्स का इंसिडेंट करवाया इन्होंने, और उनमें से वन अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, स्कैटर्ड बैक हुआ, और वो कितना हो सकता है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री भी हो सकता है वो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और दिस इज आल्सो कॉल्ड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कि वो क्या हुआ 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, या थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री बोल सकते हैं हम, क्योंकि वन अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, स्कैटर्ड बैक हुआ उन 8000 इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स में से। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था उनका। थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि उनका अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, कुछ एक्यूट एंगल पर भी स्कैटर्ड हो रहे थे, और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल भी स्कैटर्ड हो रहे थे। और अल्फा पार्टिकल हम सभी को पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। ये उनके ऑब्जर्वेशन थे, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ड्रॉबैक इनका यही था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये नहीं बता पाए थे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इन्होंने क्या कहा कि जो चार्ज पार्टिकल्स एमिट एनर्जी एमिट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में करते हैं, फिर भी इन्होंने कहा कि एटम स्टेबल है बट विल नॉट रिमेन स्टेबल, स्टेबल है बट ये स्टेबल नहीं है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस से जो स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी है वो भी ये नहीं बता पाए थे, और सेम एज जेल थॉम्सन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम नहीं बता पाए।